दशकों बाद बिहार को एक साथ मिली पांच महिला सांसद, जानिए किस पार्टी से किसने मारी बाजी। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहार में इस बार पांच महिला सांसद बनी हैं। पूरे 25 साल बाद बिहार में एक साथ पांच महिलाएं सांसद बनी हैं। इससे पहले वर्ष 1999 में लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार की पांच महिलाएं लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंची थी। अब पूरे 25 साल बाद एक बार फिर से एक साथ पांच महिलाएं सांसद बनी। साल 1999 में जब बिहार में एक साथ पांच महिलाएं सांसद बनी थी, तब झारखंड भी बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। लेकिन जब बिहार और झारखंड अलग हुए तो ये पहली बार हुआ है कि बिहार में पांच महिलाएं सांसद बनी हैं। इस लोकसभा चुनाव में जीत के बाद एक साथ पांच महिलाएं लोकसभा में सांसद के तौर पर संसद पहुंचेंगी। इससे पहले जब वर्ष 2019 में चुनाव हुए थे, तब तीन महिलाएं सांसद बनी थी, जिसमें वीना देवी, रमा देवी और कविता सिंह का नाम शामिल था। इस बार के चुनाव में जिन पांच महिला उम्मीदवारों ने चुनाव जीते हैं, उसमें समस्तीपुर से सांभवी चौधरी, वैशाली से वीना सिंह, शिवहर से लवली आनंद, सिवान से विजय लक्ष्मी और पाटलिपुत्रा से मिसा भारती का नाम शामिल है। इस बार के लोकसभा चुनाव में कई महिलाएं चुनाव में खड़ी थीं और कई महिलाएं प्रत्याशियों ने अच्छा प्रदर्शन भी किया। कई जगहों पर तो महिला प्रत्याशी हार गई, लेकिन फिर भी वे मुख्य लड़ाई में शामिल थे। यहां तक कि एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी महिला प्रत्याशी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। कहां किस सीट से कौन सी महिला प्रत्याशी मुख्य लड़ाई में रही हैं और किस महिला प्रत्याशी ने निर्दलीय होने के बावजूद भी अच्छा प्रदर्शन किया, आज हम इन सभी की चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव की रेस में करीब 39 महिला उम्मीदवार मैदान में उतरी थी। इस चुनाव में महागठबंधन ने 6 महिला उम्मीदवार उतारे थे, वहीं एनडीए ने 4 महिला उम्मीदवार उतारे थे। एनडीए ने जिन 4 महिला प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारे थे, उसमें से चारों ने ही जीत दर्ज की। वहीं महागठबंधन ने जिन 6 महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारे थे, उसमें से केवल एक ने ही अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें पाटलिपुत्रा सीट से मिसा भारती का नाम शामिल है। सारण से रोहिणी आचार्य, मुंगेर से कुमारी अनीता, शिवहर से रितु जायसवाल, जमुई से अर्चना रविदास और पूर्णिया से बीमा भारती को हार का सामना करना पड़ा। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सिवान से हीना साहब चुनाव में खड़ी हुई थी। एक निर्दलीय महिला उम्मीदवार के रूप में इनका अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। चुनाव रेस में ये मुख्य लड़ाई में रही। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस, वीआईपी और अन्य वामपंथी दलों ने एक भी महिला प्रत्याशी को चुनावी रेस में खड़ा नहीं किया था, जबकि जदयू ने 2 महिला प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारे थे और दोनों ने ही जीत दर्ज की। वहीं लोजपा रामविलास ने भी 2 प्रत्याशी को चुनाव में खड़े किए थे और दोनों ने ही जीत दर्ज किए हैं। इसके अलावा राजद ने सबसे ज़्यादा 6 महिला प्रत्याशी को चुनाव में उतारे थे, लेकिन केवल एक सीट पर ही पाटलिपुत्रा से महिला प्रत्याशी ने अपनी जीत दर्ज की है। लोजपा रामविलास के टिकट से एनडीए उम्मीदवार के रूप में समस्तीपुर से चुनाव में उतरी सांभवी चौधरी ने रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं। इन्होंने सबसे कम उम्र की सांसद बनने के रिकॉर्ड बनाए हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपके क्षेत्र के इस बार कौन सांसद बने हैं, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।